बरेली के थाना पितरी चैनपुर क्षेत्र में 25 जनवरी की रात में हुई एक बुजुर्ग महिला की हत्या और लूटपाट करने की घटना का आज बरेली पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से एक ने अपना नाम इमरान उर्फ मुन्ना और दूसरे ने अपना नाम फैजुल बताया है। इमरान ने बताया है कि वो दोनों मामा और भांजे हैं। बहनोई को फंसाने के लिए घटना की प्लानिंग की गई थी। 24 जनवरी 2023 को उल्ला जागीर में सबसे पहले आकर उन्होंने रेकी की और फिर 25 जनवरी की रात अन्नो की गला घोटकर हत्या कर दी। फिर उसके कान के टॉप्स और मोबाइल साथ ले गए। घटना के बाद दोनों ने घर में बाहर से ताला लगा दिया। ये घटना इमरान ने अपने बहनोई महबूब से बदला लेने के लिए की थी। अभियुक्त इमरान ने बताया है कि उसका बहनोई आए दिन उसकी बहन की बेइज्जती करता रहता था। ये उस दिन शादी में मृतक अन्नू भी रुद्रपुर आई तो वो गहने पहनी हुई थी। उसने सोचा कि बहन की हत्या करके बहनोई को उसमें फंसा दूंगा। प्रकरण में उसने महबूब के पुत्र फैजुल, जो कि उसका भांजा लगता है, उसको भी साथ ले लिया। सब ने मिलकर 25 और 26 जनवरी की रात में घटना को अंजाम दिया। भितरी चैनपुर पुलिस ने दोनों के पास से एक जोड़ी पीली धातु के कुंडल, नाक की लौंग, पीली धातु की मांग का टीका, एक जोड़ी सफ़ेद धातु के कानों के टॉप्स, एक जोड़ी पायल, मृतक का मोबाइल समेत 3 अन्य मोबाइल भी बरामद किए हैं। हुआ है, क्या घटना थी, किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया था? देखिए, थाना भितरी चैनपुर में 29 जनवरी 2023 को एक वृद्ध बुजुर्ग महिला का शव बरामद हुआ था, जिसकी पोस्टमार्टम से पता लगा कि ये शव 2 से 3 दिन पुराना है। इसमें दो अभियुक्तों जिनका नाम इमरान और फैजुल है, इनको गिरफ्तार किया गया। इमरान निवासी पीलीभीत का है और फैजुल जो है वो कोतवाली रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड का निवासी है। इन दोनों ने मिलकर बुजुर्ग महिला की 25 और 26 की रात्रि को हत्या की थी। जो हत्या का इनका मकसद था वो एक तो मृतक महिला के गहने लूटने का था और दूसरा इनमें से जो व्यक्ति है इमरान अभियुक्त है, उसका एक मकसद ये था कि अपने बहनोई को इस महिला की हत्या के बाद उसमें फंसा दे। जब महिला की हत्या हुई तो उसके शव के पास से एक फ़ोन बरामद हुआ था। उस फ़ोन में से सिम गायब थी और जो उसकी सिम थी वो इमरान नाम के अभियुक्त ने अपने पास रख ली थी और पीलीभीत जाकर अपने बहन के फ़ोन में उसने वो सिम डाल दी थी। और जब EMI स्कैन करवाया गया तो इससे जानकारी मिली कि वो फ़ोन चोरी हुआ था और इमरान ने ही वो फ़ोन चोरी किया था। इस तरह से हम अभियुक्तों तक पहुँचे और इमरान और फैजुल दोनों ने अपने जुर्म को कबूला है और पूरी अपनी बात बताई कि इस तरह से इन्होंने रेकी की थी। घटना के 2 दिन पहले तक इन्होंने गांव उड़ला जागीर में रेकी की थी कि किस तरह से घटना को अंजाम देंगे। और लगभग रात्रि 9 बजे 25-26 की रात्रि 9 बजे ये घर में पहुंचे थे और इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। जो महिला है उसकी गला घोटकर इन्होंने हत्या की थी और लगभग 3 से 4 घंटे ये शव के पास बैठे रहे थे और जब अर्ली मॉर्निंग जब कुछ रोशनी हुई तभी वहाँ से बाहर निकले थे अपनी गाड़ी से। क्या रिश्ता था उस महिला से, इसका बताया जा रहा है कि उन्होंने खाना भी खाया, उसने इनको खाना बना के खिलाया था। जैसा कि अभियुक्तों द्वारा बताया गया है, ये जब वहाँ रेकी करने के बाद 2 दिन पश्चात महिला के घर पहुँचे थे रात्रि 9 बजे, तो महिला को इस बात की जानकारी नहीं थी क्योंकि इनकी रिश्तेदारी है कि इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले थे। उन्होंने इनको अपने रिश्तेदार के तौर पर घर पर खाना भी परोसा और इनका कुछ अल्टीरियर मोटिव था, मकसद कुछ भिन्न था। इनका जो मकसद था वो जो महिला के पहने हुए जेवरात थे उनको लूटना था। बहनोई से ऐसा क्या रंजिश थी जिनको फंसाने की? जैसा कि इमरान अभियुक्त को पूछताछ के दौरान पता चला है कि इसकी बहनोई से रंजिश थी, क्योंकि बहनोई इसकी बहनों को कुछ गालियां वगैरह देता रहता था, टोकता रहता था, जिससे ये उस बात से नाराज़ चल रहा था और ये बहनोई को इसमें फंसाना चाहता था। बहनोई के बेटे को ही, मतलब अपने भांजे को ही इस घटना में शामिल किया है, उसका उसको मालूम था कि प्लानिंग इसके लिए है? जो ये मामा भांजे हैं, मामा के द्वारा पूरी घटना की प्लानिंग की गई अपने भांजे के साथ। भांजे को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जो इमरान अभियुक्त है वो इसके पिता को फंसाने की ही इसमें साजिश रच रहा है।